आज भी नहीं आया रहमान दवा खाने में। पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ पर मर खप रही हूँ और वो है कि ऐश कर रहा है। नहीं 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 नहीं, तुम चिंता न करो नाजनीन, इत्मीनान रखो। बस रहमान आजकल में वापस आने ही वाला है। आपने उसे कहीं भेजा है ना? सही पकड़ा, सही पकड़ा। दरअसल क्या है कि डॉक्टर लाहौरिया का ये दवा खाना ज्यादा चलता तो है नहीं, तुम जानती हो। मैंने क्या किया, रहमान को म्यूनसिपैलिटी के इंतखाबात के लिए सेवकराम की मदद करने के लिए। पर हमें क्या जरूरत थी रहमान को वहाँ पर भेजने की? ओहो नाजनीन, जरा सा ज़हन का इस्तेमाल कर लिया करो। पैसा पैसा पैसा। हाँ, मैंने सेवकराम से म्यूनसिपैलिटी के इंतखाबात में सारा जरूरी सामान मुहैया कराने का ठेका लिया है। इसी सिलसिले में मैंने रहमान को वहाँ भेजा है। अब हम पता क्या करेंगे, अब सेवकराम जी को मोटा सा बिल देकर पैसे बनाएंगे। को ढूंढो, काजू पकड़ रखा है इसमें, बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। उसकी वजह से मैं म्यूनिसिपैलिटी के इंतखाबात में हार गया। आप हार गए सेवकराम जी? मैं हार गया। अभी अभी नतीजों का ऐलान हुआ है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे बाहर निकालो, जल्दी बताओ। छोड़ूंगा नहीं, पुलिस बुलाओ, केस कर दूंगा, जेल भेज दूंगा। हाय मेरा दिल। पर मैंने तो रहमान को आपकी मदद के लिए भेजा था। तुमने मदद के लिए नहीं, उसे मेरे नोटों पे ऐश करने के लिए भेजा था। अरे वोट वोट का तो इंतजाम किया नहीं, ऊपर से मेरी ऐसी गाड़ी में घूमता रहा। तुम सब मिले हुए हो। अंदर करा दूंगा, अरे जेल भिजवा दूंगा, अरे केस कर दूंगा, पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। नहीं छोड़ूंगा। सेवकराम को वोट दो, वोट दो, वोट दो, सेवकराम को वोट दो, वोट दो, वोट दो। अबे चुप, झूठा, मक्कार। अबे रहमान, तेरा नाम तो बेईमान होना चाहिए। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए सेवकराम जी, इत्मीनान रखिए। मैं हूं ना, मैं पूछता हूँ रहमान से। रहमान, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये तुम्हारी वजह से इलेक्शन में हार गए। मेरी वजह से क्यों, अपनी वजह से हारे। जहाँ भी तकरीर करते थे उल्टा ही बोल जाते थे। अबे बेईमान, तुम मेरी तकरीर लिखता कौन था? तू। हाँ, मैं तकरीर लिखता था, लेकिन पढ़ता कौन था? आप गलतियाँ खुद करें और जिम्मेदारी दूसरों पर डालें। पर रहमान भाई, इन्होंने क्या गलती की? पहले तुम अपनी गलती दुरुस्त करो। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ये है ये। और रही इनकी बात, तो तकरीर में कहना होता था कि अगर मैं जीत गया तो इस इलाके से गरीबी का खात्मा कर दूंगा। अच्छा, लेकिन ये क्या बोल गए? ये बोल गए कि अगर मैं जीत गया तो इस इलाके से गरीबों का खात्मा कर दूंगा। डॉक्टर साहब, आपके इस रहमान नहीं बेईमान कारकुन की वजह से इलेक्शनों में मेरा बहुत खर्चा हो गया है। मेरा दिल बैठा जा रहा, बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा। डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, तसल्ली रखें आप। मैं हूँ ना, मैं आपका इलाज करता हूँ, अभी मर्ज ठीक करता हूँ, घबराए ना आप। जल्दी करो, जल्दी करो डॉक्टर साहब। आपका इलाज तो शुरू कर देते, लेकिन हमारे कुछ जरा बिल थे, आप उनकी पेमेंट। बिल? कौन सा बिल? कैसे बिल? किस बात के पैसे? वो इलेक्शनों में आपको जो हमने सामान सप्लाई किया था और एक अदद रहमान सप्लाई किया था, उसका बिल। अबे डॉक्टर के बच्चे, बेईमान, दगाबाज दोस्त, यहाँ खर्चे की वजह से मेरा दिल बैठा जा रहा है और तुझे तुझे अपने बिल की पड़ी है। लो डॉक्टर, ध्यान से सुन लो, कोई बिल बिल के पैसे नहीं दूंगा। मेरा नाम सेवकराम, पुलिस बुला लूंगा। पहले मेरे दिल का इलाज कर दे। ना 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 ना, पहले बिल बाद में दिल। अच्छा, और अगर ना दूं तो? फिर तो आपको अपने दिल के इलाज के लिए किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, तो चला जाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सेवकराम जी, ये दिल का मर्ज है, दिल का। इसे हार्ट अटैक कहते हैं। मेरे मामू को दिल का दौरा पड़ा था, एक लम्हे में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बताओ, पहले अपना बिल बताओ, फिर मेरे दिल का इलाज करो। अब रहमान। डॉक्टर साहब, मैंने इनके सारे बकाया बिलों का हिसाब किताब इसमें लिख दिया। ओह अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी ये है जी पहले बिल का हिसाब टेंट और तंबू वालों का सिर्फ 15,000 रुपए का। मेरे दिल का दर्द और बढ़ गया। 15,000 रुपए! अरे ना मुरादो, इतना किराया कैसे बन गया? सेवक राम जी इसमें किराया तो कम ही लगा है लेकिन गायब सामान के पैसे भी शामिल है। गायब? हाँ 15 गद्दे, 4 बलियां, 9 कुर्सियां और 5 तंबू। अरे बेरहमो, एक तो इलेक्शन ने मेरा तंबू उखाड़ दिया, अब तुम लोग मेरा खून चूसने में क्यों लगे हो? आए मेरा दिल, मैं गया, बचाओ। बोलो बोलो आगे बोलो, अगला बिल बताओ कौन सा है? तो जी ये जी ढाबे वाले का बिल है जी, सिर्फ 9,000 रुपए। क्या 9,000 रुपए? अबे तुम इसे सिर्फ बोलते हो, 9,000 का बिल कहाँ से आया? देखिए सेवकराम जी इसमें तो साफ साफ लिखा है 80 प्लेट मलाई कोफ्ता, 150 प्लेट दाल फ्राई, फिर चिकन मटन रोगन जोश मुर्ग मुसल्लम। अबे चुप, चिकन मटन रोगन जोश, अबे तुम्हारा बच्चा लेना तो तुम मेरी कब्र में भी यही आशिया करोगे। अबे ना तो मैं ना मेरी पूरी पार्टी में कोई नॉनवेज खाता है। ये चिकन मटन का बिल कहाँ से आया? किसने बनाया ये सब चीजें? जब कोई खाता ही नहीं तो फिर बिल किस बात का? रहमान भाई भाई नहीं, बिल्कुल मत बोलो भाई। सेवक राम जी लोग कर लो बात, अब खाने वाला कोई बताकर थोड़ा ही खाता है। और वैसे भी सेवक राम जी अब सीधी सी बात है, अब कोई मूंगी की दाल खा के तो इलेक्शन जीते नहीं जा सकते है ना? क्या मतलब? इलेक्शन का बिल। अच्छा बस डॉक्टर साहब और खर्चा मत बताना वरना मेरा हार्ट यहीं पे फेल हो जाएगा। बस आप तो ये बताओ कि मैं कितने का चेक काट दूं? सिर्फ 50,000 रुपए का। क्या 50,000 रुपए? गए काम से रहमान। डॉक्टर साहब लगता है ये तो गया काम से। कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं। अभी तो हमने इनसे चेक भी लेना है। पकड़ो। बहुत घबराने की कोई बात नहीं है, एक इंजेक्शन लगाते ही अपने आप ठीक हो जाएगा। हल्का सा सदमा पहुंचा है। मैं कौन हूँ? आप हैं आवाम के नुमाइंदे सेवक राम जी। ये लो डॉक्टर साहब अपना चेक, और अब मेहरबानी करके मुझे चेक कर लो आप। डॉक्टर साहब मैं इसे अपनी तनख्वाह के तौर पर रख लूं? रख लो लेकिन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे नाम है, ये सिर्फ डॉक्टर लाहौरिया के खाते में ही जमा होगा। तो डॉक्टर साहब अरे अपने खाते का हिसाब किताब बाद में बराबर कर लेना, पहले मेरे दिल का हिसाब किताब तो बराबर कर दो। सेवक राम जी इधर से हाथ हटाइए क्योंकि आपका दिल तो इधर है और ये बिल्कुल ठीक है। अब आप इत्मीनान से अपने घर जा सकते हैं। हाँ सचमुच? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है। सुनिए जाने से पहले इतना तो बताते जाइए कि अगली बार आप कब आएंगे? अगले इलेक्शन में। चले गए सेवक राम सियासतदान और छोड़ गए 50,000 रुपए का चेक। देखा डॉक्टर साहब, कम पाउडर कम चपरासी, रहमान का कमाल कर दिया मुर्गा हलाल। रहमान भाई नहीं, सिर्फ जान। इतने दिन तो तुमने कितनी भाग दौड़ की, देखो ना कितने कितने सूख गए हो। नहीं मेरी जान, मैंने तो खूब ऐश किया है। जहाँ जाता है रहमान वहाँ ऐश ही ऐश करता है। डॉक्टर साहब आप तो हमारी तनख्वाह दे दीजिए। अबे खामोश, इतनी ऐश करने के बाद भी पैसे मांगता है। तुम्हें वहाँ किसने भेजा था? आपने, डॉक्टर लाहौरिया ने, समझे? पर डॉक्टर साहब हाँ। मैंने तो कोई ऐश नहीं की, मेरे पैसे। नाज़नीन तुम अपने पैसे क्यों बर्बाद करती हो? तुम्हारे पैसे तो मेरे पास जमा है। डॉक्टर लाहौरिया तुम्हें ऐश कराएगा अपने खर्चे पर। चले डॉक्टर साहब। और मैं, तुमने बहुत ऐश कर ली। चुपचाप यहाँ पर बैठो जब तक हम वापस लौट के आए। ये दवा खाना साफ हो जाना चाहिए पूरी तरह से। नहीं अच्छी तरह से, समझे?